हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं अभी बिल्कुल अभी जागी हूँ, और कल बिल्कुल अभी नहीं जागी। आई वोक अप लाइक 1 आवर अगो और मे बी लाइक 1.5 आवर अगो, और फिर मैं अपना सेल यूज़ करती रही और बस यू नो आई कैप्ट स्क्रॉलिंग ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अभी खैर मैं अपना बेड बनाऊँगी। आज मौसम एज यूजल बहुत ठंड है, और फिर यू नो आई एम गोना टेक समथिंग, आई एम गोना ईट समथिंग। तो सबसे पहले मैं अपना बेड बनाऊंगी, एंड फिर देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय सेलफोन, आई डोंट नो व्हाट। खैर, सो आई एम गोइंग टू टेक यू नो आई एम गोइंग टू फ्रेशन अप फर्स्ट, और फिर मैं अपना बेड बनाती हूँ। अच्छा जी, तो आई हैव जस्ट फ्रेशन अप, और अब मैं अपने जो है ना ये रोज़ वाटर लगाऊंगी। मैंने आपको पिछले भी किसी व्लॉग में बताया था कि ये वो सईद गनी का रोज़ वाटर है, और ये बहुत अच्छा है। और देखें, आई हैव अ पिम्पल नाउ, आई डोंट नो ये क्यों हो गया। सर्दियों में मुझे कभी भी वैसे पिम्पल्स नहीं हुए। तो ये रोज़ वाटर बहुत मज़े का, इतनी इट फ्रेशनस अप योर स्किन, पूरी जो डिहाइड्रेटेड स्किन है ना उसको बहुत ही अच्छा सा कर देता है। तो खैर, मैं नीचे अब खाना लेने जा रही हूँ किचन में, एंड या अच्छा लेट मी शो यू द वेदर टू, कितने आसमान पे बादल और सब कुछ है। और ये अभी हल्की हल्की सी धूप निकलना शुरू हुई है, वरना सुबह से इतनी ज़्यादा फॉग थी, और हवा अभी भी बहुत है। हर तरफ हमारे घर के ना हर तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है, सो हम इसीलिए इतना निकलते भी नहीं है, क्योंकि हर तरफ लेबरर्स और सारा कुछ होता है। तो खैर, लेट्स गो एंड ब्रिंग लंच। अच्छा जी, तो अब मैं किचन आई थी अपना लंच लेने के लिए, लेकिन मैंने थोड़ा काम इन किचन और चीज़ें फैली हूँ, फिर मुझे बहुत ही उलझन होती है। मुझे मैं कहती हूँ किचन सारा समेटा होना चाहिए। तो लंच लेने से पहले मैं वैसे टीवी देखने गई थी, और वहाँ पे बड़ा मज़े का निदा पाशा का शो लगा हुआ था, जिसमें वो एक माया ली और ये सारी टीम आई हुई थी एक नए ड्रामा की। तो खैर, अभी आई एम गोइंग टू क्विकली वॉश दिस लिटिल बिट ऑफ प्लेट्स जो पड़ी हुई थी, धुली हुई थी। थोड़ा सा मैं किचन साफ़ करूँगी और फिर लंच लूँगी, क्योंकि किचन ज़रा साफ़ सुथरा हो तो मज़ा आ जाता है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी से बर्तन धो लूँ, क्योंकि आज मसूर की दाल, आई थिंक उसे मसूर की दाल कहते हैं, साबित मसूर शायद, वो और चावल बने हैं। और मुझे तो दाल चावल मेरे फेवरेट हैं, चाहे चने की दाल और चावल हो, या चाहे कोई भी एक, पता नहीं उस दाल का नाम क्या होता है, शायद मसर होता है, नहीं मसर नहीं होता, मसूर होता है, और जो आज पड़ी पकी है आई थिंक उसका नाम मसर होता है। तो खैर, वो मैंने दाल चावल लिए, और फिर मैं यहाँ पे आ गई डाइनिंग रूम में, जहाँ पे टीवी लगा हुआ था, और मैंने भी ये शो देखना शुरू कर दिया, और उसमें ये मुख्तलिफ टिकटॉक वीडियोस दिखा रहे थे सेलिब्रिटीज़ को। तो ये मेरे मसर है आई थिंक, ये दाल चावल रेडी हैं, और बहुत ही टेम्पटिंग सा ये लंच है। मुझे, मैंने आपको जैसे बताया कि दाल चावल इज़ माई फेवरेट फूड, क्योंकि मुझे फील भी बहुत कर देते हैं एंड एक्साइटमेंट भी बहुत होती है। तो हमेशा मेरे घर में हम लोग टीवी देखते हैं जब भी हम खाना खा रहे होते हैं, तो मेरे घर वाले इतने खामोशी से टीवी देख रहे थे इस वक्त, क्योंकि बड़ा मज़े का शो था, कैसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही नेक काम हो रहा हो। तो खैर, वी इन्जॉयड यू नो आवर लंच। मेरे से पहले सबने कर लिया था, मैंने सिर्फ अकेले लंच किया था, क्योंकि मैं थोड़ा देर से उठी थी। और सही तरह से गेट भी नहीं बंद करके गए, सो आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर नाउ। अच्छा जी, तो अब लंच करके मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे ना एक पेपर भी बनाना भी है, और एक पेपर जो है वो मुझे वेट करना है। मतलब मुझे पेपर भेजा था एक टीचर ने, कोलीग ने, और उन्होंने कहा था कि इसको देखें कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। तो आई एम गोइंग टू वेट दैट पेपर नाउ, और मुझे अपना ये पिम्पल बड़ा तंग कर रहा है। और मैं ये विटामिन ई का एक कैप्सूल भी लेती हूँ कभी कभी, नॉट डेली, तो वो भी लूँगी। और उसके अलावा हाँ, मुझे एक वीडियो भी अपलोड करनी है, वो भी करूँगी। सो या, तो मैं अपना पेपर बना रही थी, और पेपर भी मैंने काफ़ी सारा बना लिया है, मोर देन हाफ, और मैंने ढेर सारी मूंगफली अपने पास रखी हुई है, एंड आई एम ईटिंग दैट नॉन स्टॉप। और मैंने साथ वो जो पेपर वेट करना था वो भी कर लिया, उसका रिस्पॉन्ड भी कर दिया। वैसे वो फ़ायदा नहीं हुआ वेट करने का, क्योंकि मुझसे पहले उन्होंने सबमिट करा दिए, तो खैर आई वॉज़ नॉट वेल पहले जब मुझे वेट करना चाहिए था।
तो अभी इतनी ज़्यादा ठंड है, आई एम इन माई रूम, थोड़ी देर में मैं जाऊँगी नीचे हीटर के पास। अच्छा, तो मेरे घर मतलब शोल्डर लेंथ से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो फिर मुझे खलबली सी होती है कि यू नो आई शुड कट देम शॉर्ट, और आई थिंक देर ऑल राइट, आई यूज टू निगेट देम, बट आई थिंक कि वो सारे सही बोलते थे, क्योंकि अब आज मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये बहुत लंबे हो गए हैं। एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ टू स्टाइल लॉन्ग हेयर, जैसे कुछ लोगों को पता होता है ना बहुत हेयर स्टाइलिंग का, तो मुझे हेयर स्टाइलिंग का इतना इतना स्टाइल का नहीं पता। सो आई एम गोइंग टू यू नो आई एम प्लानिंग टू कट लेयर्स, तो देखते हैं, वैसे मुझे भूल ही गया है कि कैसे काटने, लेकिन यू नो हेयर ऑलवेज ग्रो बैक, सो देर इज़ नो रिग्रेट, सो लेट्स डू इट। ओके जी, सो आई एम रेडी फॉर माई एडवेंचर। मैं ऑब्वियसली कोई ट्यूटोरियल वगैरह तो नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। माई सिबलिंग्स आर सजेस्टिंग मी नॉट टू डू इट, बट स्टिल आई एम गोना डू इट एनी वेज, बिकॉज एज आई टोल्ड हेयर ग्रोज बैक। वैसे लास्ट टाइम मैंने जब बलत काटे थे, फिर मुझे 1 साल लगा था उनको बढ़ाने में। खैर, तो मैं आपको थोड़े से काटने के बाद दिखाती हूँ कि क्या सिचुएशन है। ओके जी, सो वन साइड इज डन, आई मीन इट्स नॉट परफेक्ट एट ऑल, बट इट्स नॉट बैड आइदर। ठीक है, अब ये वाली साइड रहती है, मतलब मैंने कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं किया, अगर बहुत अच्छा नहीं भी हुआ तो आई मीन इट इज़ नॉट डिज़ास्टर, बट लेट मी लाइक डू दिस साइड एंड फिर आपको मैं दिखा। ओके गाइस, फाइनल लुक, आई मीन इट्स नॉट परफेक्ट इन एनी वे शेप और फॉर्म, मे बी आई थिंक दिस नीड्स अ लिटिल बिट मोर शेप, सो उसको मैं थोड़ा सा करूँगी, बट इट्स नॉट बैड अटेम्प्ट, आई मीन काफ़ी सही है, मतलब ऐसे भी अगर मैं करूँ ना तो इट गिव्स अ गुड शेप, टू सी इट्स नॉट अ बैड अटेम्प्ट, सो लाइफ इज जस्ट वन एडवेंचर अवे। सो अब हम आगे चलती हूँ, अपने बाकी काम करती हूँ, क्योंकि इस काम में मैंने कोई 1.5 घंटा ज़ाया कर दिया, वैसे 1 घंटा। अच्छा, तो अब मैंने आई हैव सैट माई सेल्फ डाउन ऑन माई बेड ताकि मैं कुछ काम करूँ, क्योंकि मैं ऊपर आई इसलिए थी कि मैंने सोचा था कि मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चेक कर लूँगी, मेरे स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने सबमिट कराए हुए हैं और वो मैंने अभी तक चेक नहीं किए। तो अच्छा, खैर मैं ऊपर आई और मैंने भी लैपटॉप खोल के, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द अनऑफिशियल रूल्स, आप कभी भी फ़ौरन से काम नहीं करना शुरू कर देते, यू स्क्रॉल फेसबुक, यू स्क्रॉल इंस्टाग्राम। तो मैं फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं मैंने, तो आजकल ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी जो है ना स्केरी स्टोरीज, उन्हें क्या कहते हैं, हॉरर स्टोरीज या स्केरी स्टोरी या सुपर नेचुरल के साथ जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करने का बड़ा ट्रेंड हुआ हुआ है। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ हुआ है, आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट, फिर मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि क्या हुआ था। एंड दिस इज़ द ओनली इवेंट, अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द ओनली इवेंट दैट हैपन यू नो विद मी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो आई एम ब्रेव इनफ टू हैंडल सच अ थिंग। तो खैर, तो स्टोरी ये है कि व्हेन आई वाज इन 7th ग्रेड, 7th क्लास, तो तब गर्मियाँ जब थी, जून जुलाई की जब छुट्टियाँ थी, तो हम लोगों का थोड़ा सा बड़ा घर था, बिकॉज दैट वॉज अ हाउस ऑफ द यू नो द हाउसेज दैट आर एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो हमारे घर में एक बहुत बड़ा सा लॉन था और गर्मियाँ बहुत थीं, तो मेरी अम्मी को अंदर सोना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मेरी अम्मी और मेरे बहन भाई लॉन में सोते थे, और मेरे अब्बू को बाहर सोना पसंद नहीं है तो अंदर सोते थे। तो मेरे अब्बू ने एयर कूलर लगाया हुआ था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी एयर कूलर में सोऊं, तो मैं अंदर अब्बू के साथ सो गई और मेरी बहन भाई जो है बाहर अम्मी के साथ सो गए। तो आई थिंक इट वॉज 12 o'clock एट नाइट, और इस तरह से था कि मतलब ये कमरा है सपोज जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे ये कमरा है जहाँ पे हम हैं, मैं और अब्बू, फिर एक और कमरे साथ साथ थे, लेकिन जिस कमरे में हम थे वहाँ से सामने डाइनिंग रूम नज़र आता था, यानी डाइनिंग में और हमारे काले कमरे में दरमियान में एक लिविंग रूम था, लेकिन लिविंग रूम एज सच वो प्रॉपर रूम नहीं था, ऐसी जैसे एक को जॉइंट स्पेस होती है ऐसे था, और फिर सामने जो है डाइनिंग रूम का दरवाज़ा था और डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम हमारे इकट्ठे थे।
अच्छा बाहर जो है ना बादल कभी ज्यादा हो रहे हैं कभी कम, तो मेरे चेहरे के जो कलर है ना वो भी मुख्तलिफ हो रहे हैं। अच्छा तो मैं और अब्बू जो हैं वो लेट गए सो गए और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उस जमाने में हमारे पास सेलफोन भी नहीं थे, तो मैं ऐसे इधर उधर देख रही और अब सोचे रात का टाइम था तो अंधेरा था तो सारी लाइट्स हमारे घर की ऑफ थी, लेकिन एक हमारे घर के बाहर बहुत बड़ी स्ट्रीट लाइट होती थी वो हर वक्त ऑन होती थी और उसकी अच्छी खासी रोशनी होती थी, और जैसे चांद जैसे चौदनी का चांद होता है उसकी अच्छी खासी रोशनी होती है, तो मेरे कमरे में अच्छी खासी रोशनी आ रही थी जिससे मुझे मतलब चीज़ें कुछ दिख रही थी, अदरवाइज सारी जो रूम की लाइट्स थी वो ऑफ थी। अच्छा हुआ क्या कि मैं ऐसे इधर उधर देख रही हूँ और मैं सामने देखती हूँ डाइनिंग रूम की तरफ और वो बिल्कुल घुप अंधेरा है क्योंकि ऑब्वियसली कोई लाइट ऑन नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे मतलब सारा कुछ हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रीट लाइट, तो डाइनिंग रूम से एक औरत जो है वो चल के आती है, आहिस्ता आहिस्ता चल के आ रही और वो लिविंग एरिया उसने क्रॉस किया और फिर हमारे कमरे में आ गई, और उनकी वो जो औरत थी उसकी कोई भी शक्ल नज़र नहीं आ रही, हालांकि मतलब किसी की भी शक्ल नज़र आ सकती थी क्योंकि मुझे अब्बू की भी नज़र आ रही थी और स्ट्रीट लाइट की वजह से अच्छी खासी रोशनी थी, लेकिन मुझे उसकी शक्ल नहीं नज़र आ रही थी, बस उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ था कि ये एक औरत है और वो थोड़ी भारी सी औरत थी और चुटिया उसकी लंबी सी थी। अब मुझे शक हुआ और मेरे जहन में ये आया ही नहीं कि कोई जिन भूत का कॉन्सेप्ट या कुछ भी, तो मैं बस समझी कि अच्छा अम्मी होंगी और अम्मी अंदर डाइनिंग रूम में आई होंगी पानी पीने और फिर अम्मी इधर आ गई होंगी किसी काम से या कुछ चीज़ लेनी होगी, मैंने कुछ और सोचा ही नहीं। अच्छा अब मैं जब ये सोच रही हूँ कि अम्मी है तो वो हालांकि वो दैट थिंग वॉज अ बिट हैवियर देन माई मदर, अब वो चीज़ आहिस्ता 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 लिविंग रूम से क्रॉस करके हमारे कमरे में आ गई और चलती रही, और अब भी मुझे यही है कि बस अम्मी होंगी कुछ नहीं होता, बस मैंने कुछ डरी तो मैं थी नहीं ना, मैंने सोचा नहीं कि कोई चीज़ हो सकती है। अब वो हमारे जहाँ पे मैं लेटी हुई थी, जैसे सपोज यहाँ मैं लेटी हुई तो यहाँ पे एक क्लॉक लगा हुआ था बड़ा सा, तो वो चीज़ मेरे और अब्बू के करीब आके रुकी और कॉन्टिन्यूसली उस क्लॉक को देखना शुरू हो गई ऐसे, अब मुझे शक्ल उसकी फिर भी नहीं नज़र आ रही, बस एक एक वो कुछ आइडियाज है कि कोई, और ये मुझे पता है कि औरत है क्योंकि उसकी चुटिया थी और एक औरत का जैसे फिगर होता है ऐसे था। अब मैंने सोचा कि अम्मी इतनी देर क्यों टाइम देखेंगी, तब मुझे थोड़ा सा ख्याल आया तो मैंने फ़ौरन से ही उठ के थोड़ा सा मैं उठी बेड से और मैंने कहा अम्मी आप हैं, अम्मी आप हैं ये, और वो चीज़ कुछ भी नहीं बोली, फिर मैं उठी और फिर मैंने ऊंचा सा कहा अम्मी ये आप हैं, अम्मी ये आप हैं, एंड दैट थिंग जस्ट केप्ट स्टेयरिंग एट द क्लॉक, उसने कुछ भी और नहीं किया। अब जब वो कोई जवाब नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर अम्मी होती, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सुपर नेचुरल यू नो एक्सपीरियंस दैट हैपन, सुपर नेचुरल और आई डोंट नो स्केरी थिंग दैट हैपन टू मी। आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें पढ़ने का, और जो मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया मे बी आई थिंक अगर अब ये चीज़ मेरे साथ हो तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊँ, और अब आई डोंट नो हाउ आई विल बी एबल टू हैंडल सच अ थिंग, लेकिन उस टाइम आई थिंक क्योंकि इतनी बड़ी उम्र नहीं होती, इतना मच्योर नहीं होते, तो यू टेक एवरी थिंग नॉन सीरियसली। तो वेल आई वॉज टेलिंग यू ऑल कि आपके साथ अगर कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो डू राइट इन द कॉमेंट्स बिलो ताकि मैं पढ़ूँ और फिर आई वुड रिएक्ट ऑन दैट। अभी जो है मैं अपने ना प्रोजेक्ट्स चेक करती हूँ जो चेक करने वाले हैं, और मेरा बहुत सारा काम रहता है करने वाला, और फिर मुझे अपनी दोस्त को कॉल भी करनी है, तो दिस हलवा इज़ रियली गुड। अच्छा तो मैंने आपको बताया था कि डिनर के लिए मैंने चिकन मैरिनेट किया हुआ था और उसको मैं बनाऊंगी, तो बेसिकली मैं मैरिनेटेड चिकन को पहले उसके अपने ही पानी में ड्राई करूंगी और फिर उसको फ्राई करूंगी, तो लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स राइट नाउ व्हेन आई एम लाइक मेकिंग इट टेंडर इन इट्स ओन वाटर। तो ये मेरा चिकन है और ये चिकन का बिल्कुल अपना ही पानी है, ये मैरिनेटेड चिकन है, एटलीस्ट मैंने 1 डे पहले इसको मैरिनेट किया था, फिर मैं इसको बहुत ही कम ऑयल में शैलो फ्राई करूंगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी, और अगर फिर जब फ्राई कर रहे हैं जब वंस इट्स गेट डन तो अगर आप इसमें एक वो कोल डालेंगे जो कोयला होता है थोड़ा सा बर्न, तो उससे बड़ा अच्छा बारबेक्यू टेस्ट आ जाएगा। अच्छा तो अब मैंने इसको अपने ही पानी के अंदर बॉयल किया था जैसे मैंने आपको पहले बताया, और अब इन्हीं में से मैंने बिल्कुल ड्राई अच्छी तरीके से करके उसके बाद मैंने इस एक एक को फ्राई कर लिया, अब इकट्ठा ही मतलब थोड़ा सा ऑयल डाल के 2-3 चम्मच
और उसको फ्राई कर रही हूँ। फिर जो इसकी फाइनल लुक आती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो ये फाइनल लुक है मेरे इन पीसेस की। मे बी इट डजंट लुक दैट टेम्पटिंग बट इट इज़ सो टेस्टी, डू ट्राई इट। अच्छा तो उसके बाद मैं डिनर करते करते मैंने टीवी देखना शुरू कर दिया और मैंने डिनर में सिर्फ वो चिकन पीसेस लिए थे 2 से 3, तो मुझे लगा था कि वो मेरे लिए नफ होंगे, लेकिन बाद में मुझे भूख लग गई तो मैंने अपनी बहन से कहा कि वो मेरे साथ टक शॉप पे जाए और हम यहाँ टक शॉप पे फिरते रहे और हमने बहुत ही अगेन जंक फूड लिया, लेज लिए और कोकोमैन ऑल दैट। और फिर जब हम वापस जाने लगे थे तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि नहीं, हम ऊपर एक और शॉप है जहाँ पर आपको थोड़ी सी लाइट भी नज़र आ रही है, यहाँ पर भी जाते हैं। तो पहले तो मैं जाने लगी थी, फिर मैंने कहा कि नहीं रात है और मुझे डर लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं घर चलो। तो खैर ये आज का व्लॉग था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। खुदा हाफिज़।